हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और डिजाइन इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग चाहिए हो मेटल स्क्रैप की तो वो भी प्रोवाइड करता हूँ, और डोमेस्टिक में बिजनेस सेटअप करना हो तो उसमें भी मैं पूरी हेल्प करता हूँ। सेल परचेज से लेके पूरा बिजनेस सेटअप ए से लेके जेड तक जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लोगों की हेल्प करता हूँ। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए मेरी तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी लगी तो वो कमेंट करें ज़रूर करें कि आपकी वीडियो में ये कमी है। तो आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था ये हमारा। काफ़ी मेल पे मुझे काफ़ी मैसेज आया कि लो इन्वेस्टमेंट पे मेटल स्क्रैप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं जो बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, लो इन्वेस्टमेंट पे रिसाइकल इंडस्ट्री में कैसे आप बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिसाइकल इंडस्ट्री में बिज़नेस करना आसान है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए और आसान होगा। जनरली लोगों के साथ दिक्कत तब आती है जब उनको चीज़ की नॉलेज नहीं होती और वो काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आप नॉलेज लीजिए फिर काम स्टार्ट कीजिए। तो इस बिज़नेस में इस बिज़नेस के बारे में पहले मैं आपको बताऊँगा इस पर इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का मैं बिज़नेस बताऊँगा इसमें, कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट में 1 लाख से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट में आप रेगुलर सेल और परचेज मेंटेन कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट, इससे कम, 1 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट पर अगर आप काम करेंगे तो आप सेल परचेज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेगुलर मटेरियल आता रहेगा और आप परचेज नहीं करेंगे तो कोई और परचेज कर लेगा, तो आपका कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए मिनिमम 1 लाख से 10 लाख के बीच में आप आराम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है गोडाउन। गोडाउन की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर गोडाउन की लोकेशन आपका सिटी में है तो आपके ट्रक को आने और जाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप छोटी गाड़ी से सेल परचेज कर रहे हैं, छोटा हाथी हो गया या फिर आपका ये लोडर हो गया, इसके थ्रू अगर काम करें तो आप सिटी में कर सकते हैं। सिटी में भी जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे काम ना करें, क्योंकि वहाँ के लोग कंप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि स्क्रैप के काम में टूट फूट होती रहती है तो आवाज़ ही बहुत आती है। तो इसलिए काफ़ी लोग शिकायत करते हैं शहर में, अगर आप भी शहर में अगर आपने स्क्रैप यार्ड खोला है तो हो सके तो आप अपना गोडाउन आउटर में खोलें, जो सिटी के आउटर में हो। इस इन्वेस्टमेंट में आप किस टाइप का काम कर सकते हो, किस मेटल्स में काम कर सकते हो दोस्तों? तो इस इन्वेस्टमेंट में आप केबल्स का, एल्युमिनियम का, आयरन में आराम से डील कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम में डील करेंगे तो 1 लाख रुपए का 1 टन माल आराम से आएगा 100 के हिसाब से देखा जाए। केवल में ही परसेंट का हिसाब किताब रहता है, कम से कम 20-30% की आती है तो आप आराम से सेल परचेज कर सकते हैं इसमें। और आयरन का तो आप 20-25 टन, 30 टन का 5 लाख में भी काम कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के लिए आयरन, एल्युमिनियम और केबल बेस्ट है। और मैं सिर्फ मेटल्स का काम करता हूँ, इसलिए मैं मेटल्स के बारे में बता रहा हूँ। जो लोग प्लास्टिक का भी करना चाहते हैं प्लास्टिक का भी कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, इस बिज़नेस में आपको रेट्स का बहुत ख्याल रखना है। जहाँ से ही माल खरीद रहे हैं उस रेट का, और जहाँ आपको माल बेचना है वो वहाँ का रेट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कहीं माल खरीदने से पहले आपको जहाँ आपको बेचना है वहाँ से रेट लेना है। अगर आप पता लगा कि आपने पहले माल खरीद लिया और रेट बहुत डाउन हो गया वहाँ से, तो दिक्कत आती है इसमें बेचने में। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना, और अपने आपको रेगुलर रेट से अपडेट रखना है। अब दोस्तों, इसमें लेबर कितनी लगेगी? दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट में एक लाख से 10 लाख के बीच में 2 से 4 लेबर आपको रखनी है, जो मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए, जो लोडिंग भी करे, कटिंग भी करे, शॉर्टिंग भी करे। इसमें ऐसे लोग मत रखो जो आपका, जैसे आपने इतनी कम इन्वेस्टमेंट में मैनेजर रख लिया, उसको संभालने के लिए कुछ लोग रख दिए। आप इस काम में जो पेपर वर्क है आप खुद कीजिए, और पब्लिक डीलिंग भी खुद कीजिए। आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में राजा बाबू बन के अगर काम करेंगे तो कभी नहीं कर सकते आप। तो आपको इसमें खुद सारा काम करना है इस इन्वेस्टमेंट में, और 2 से 4 आपको लेबर रखनी है जो आपकी कटिंग, लोडिंग, शॉर्टिंग सब करें। दोस्तों, अगर आप गोडाउन खोल रहे हैं तो उस जगह की मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। जिस जगह का आपने गोडाउन खोला है उस गोडाउन में आपको मटेरियल का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि मटेरियल का स्टॉक कहाँ करना है, जो मटेरियल शॉर्ट किया गया है, अलग अलग क्वालिटी बनाई गई है, उसको कहाँ रखना है, इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस मैनेजमेंट में फेल होते हैं तो आप इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। तो जहाँ भी आप स्क्रैप का, अगर आपका कोई स्क्रैप परचेज करके आया उसको अलग रखना है, फिर उसको शॉर्ट करने बाद क्वालिटी बनाई जाती है। जैसे आयरन का एक पूरी मिक्स लॉट आई है, तो आयरन की मिक्स लॉट में आपको कास्ट आयरन, लाइट, हैवी, ये सारी चीज़ें अलग अलग रखना है।
GI आ गया, गैमलाइज आ गया, तो ये सब चीज़ को शॉर्ट करके अलग अलग आपको रखना है ताकि जो बेचते टाइम आप क्वालिटी के हिसाब से माल बेच सकें, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप एज इट इज़ माल खरीद के एज इट इज़ बेच रहे हैं, शॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान है। कभी कभार कम पैसे का जो माल खरीदा हुआ भी उसमें हैवी माल आ जाता है, तो हैवी की अलग क्वालिटी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 टन माल खरीद लिया, 10 टन माल मिक्स में आया, लेकिन आपने शॉर्ट किया तो उसमें 5 टन हैवी निकला, तो आपने जो मिक्स माल खरीदा था वो 20 रुपये का था, लेकिन अब आपने शॉर्ट करने के बाद जो हैवी है आपका वो आराम से 30-32 रुपये पर केजी बिकेगा, और लाइट का फिर लाइट के हिसाब से बिकेगा। उसमें कास्ट एन भी निकला, वो भी 35-33 रुपये का बिकता है मार्केट में पर केजी होलसेल रेट में। तो ऐसी जब भी आपके पास माल आए तो उसको शॉर्ट करके बेचें। मटेरियल परचेज कहाँ से करना है, तो मटेरियल परचेज आप लोकल जो पैडलर होते हैं उनको हायर कर सकते हैं, जो घर में घरों के आसपास घूम घूम के स्क्रैप इकट्ठा करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में ऑक्शन और टेंडर्स में ना जाएं, क्योंकि कच्चे का काम आप जब खुद करते हैं इतने इन्वेस्टमेंट में टैक्स ही इतना बढ़ जाता है कि 18% GST लगती है इसमें, कि आप उसमें कर ही नहीं पाओगे उसमें पैसे। और जो भी आप टेंडर में डालोगे 10 लाख की पूंजी, तो टेंडर के हिसाब से 10 लाख की पूंजी में आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसलिए लोकल के हिसाब से लोकल पेडलर हायर कीजिए जो घर घर जाके सामान इकट्ठा करते हैं। और आप अपने लोकल शॉप्स जो होती हैं जहाँ पे मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक कार मैकेनिक ट्रक मैकेनिक, ये मैकेनिक शॉप्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी स्क्रैप आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी आप आराम से स्क्रैप मिलता है। फैब्रिकेटेड शॉप्स जो होती हैं जहाँ फैब्रिकेशन का काम होता है, खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी स्क्रैप बहुत कटिंग पीसेस निकलते हैं। ठीक है, जहाँ खैरात की दुकानें होती हैं जहाँ पे रबिंग मेटल्स को रबिंग किया जाता है, उसमें टर्निंग ड्रॉस बहुत निकलता है, तो आप वहाँ पर जाकर आराम से मटेरियल परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, शॉर्टिंग एंड कटिंग। मटेरियल की शॉर्टिंग और कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे असली प्रॉफिट यहीं छुपा होता है। जिसके पास की कोई मशीन आई, जैसे कि आपके पास कोई मशीन आई उसका वेट 100 kg था, आपको मशीन पड़ी 20 रुपये पर केजी की, और स्क्रैप रेट में आपने 20 रुपये पर केजी खरीद ली, तो आप उसको एज इट इज अगर बेचोगे आपको टोटली बड़ी 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की। अगर आप इसको दोबारा एज इट इज बेचोगे तो 2 से लेके 5 रुपये ही कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस मशीन को काट के बेचेंगे, शॉर्ट करके बेचेंगे, खोल के बेचेंगे उसको, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। अब एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ, मशीन का वेट है 100 kg, जिसकी कटिंग करने पर 30 kg कॉपर निकला, 20 kg एल्युमिनियम निकला, 50 kg आयरन निकला। अब इसको शॉर्ट करने पे कॉपर एल्युमिनियम आयरन रिकवर हुआ। अब इसका मार्केट रेट कॉपर का 650 रुपये पर केजी है, एल्युमिनियम का 135 रुपये पर केजी है, तो इस हिसाब से कॉपर आपको 30 kg इंटू 650 रुपये पर केजी तो 19,500 का पड़ा, और 20 kg इंटू 135 पर केजी जो एल्युमिनियम का रेट है वो आपको 20 पड़ा, 20 के हिसाब से आपको 2700 रुपये का पड़ा ये एल्युमिनियम। और दोस्तों जो 50 केजी आयरन निकला था उसका 25 रुपये के हिसाब से अपन चद्दर का रेट लगाते हैं, तो 25 रुपये पर केजी इंटू 50 केजी तो 1250 रुपये का पड़ा हमें आयरन। अब टोटल हम करते हैं 23,450 का पड़ा। अब शॉर्ट करने में आपको जो आपका माल था वो 23,450 का पड़ा, और वही आप अगर एज इट इज़ माल बेच देते हैं तो आपको 2000 रुपये आपको माल पड़ा था, आप उसमें ज़्यादा 2-3-4 हज़ार रुपये कमा लेते, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट करके बेच रहे हैं तो उसका रेट ही अलग पड़ जाता है। तो आपको हमेशा शॉर्ट और कटिंग करके ही बेचना है, इसी में स्क्रैप में फ़ायदा है। अगर आप शॉर्ट और कटिंग नहीं करते हैं इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि कई बार मटेरियल कटिंग करने पे बहुत सारे मेटल्स हमें मिल जाते हैं और उन मेटल्स की कीमत बहुत होती है, और कॉपर तो कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा रेट इसका। दोस्तों सिर्फ ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे अगर शॉर्ट करके बेचोगे तो आपको कितने का पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मशीन अगर मशीन हो स्क्रैप हो उसमें जो मेटल ज़्यादा होता है उसी का रेट लगाया जाता है, अब उसके अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर कॉपर ज़्यादा होगा 50 तो कॉपर के रेट ही लगेंगे उसमें, ठीक है, परसेंटेज निकाला जाता है मेटल्स के, उसके हिसाब से उसके रेट लगाए जाते हैं। दोस्तों अब ये मैंने आपको बताया कि इसकी शॉर्टिंग कटिंग करके और कैसे परचेज करना, अब इसको बेचेंगे कैसे मार्केट में। तो दोस्तों माल परचेज किया है आपने मिक्सिंग में और शॉर्ट करके आपने इसको बेचा है मार्केट में। अब इसको जैसे आपका एल्युमिनियम निकला तो एल्युमिनियम बेचेंगे जाके, एल्युमिनियम की जहाँ पे ढलाई होती है, जहाँ पे कास्टिंग की जाती है, फर्नेस वाले होते हैं, आप वहाँ जाके बेच सकते हैं इसको, आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे, और होलसेल में बेचेंगे तो आपको और अच्छे रेट मिलेंगे। वही अगर आप कॉपर है कॉपर ही फर्नेस वालों को बेचेंगे तो उसको मिल जाएगा रेट, कम है क्वान्टिटी में है तो फर्नेस वाले इतना आपको
माल नहीं खरीदेंगे, अगर क्वांटिटी अच्छी खासी तो फर्नेस वाले आपको पूरा कॉपरेट करेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, अगर आयरन स्क्रैप में कोई भी चीज निकली है, अगर आयरन स्क्रैप अगर रीयूज वाला है, जैसे एंगल होता है, बीम होता है, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। आपने स्क्रैप में उसको 20-25 रुपए खरीदा, अब एंगल को तो आप देखिए मार्केट में मीटर के हिसाब से बिकता है, केजी के हिसाब से बिकता है, सूत के हिसाब से बिकता है, तो वो आपको देखना है कि वो उसको स्क्रैप में डालना है कि अगर वो रीयूज नहीं है, कटिंग है, क्रैक है, तो वो फर्निस में जाएगा। हमेशा अपनी स्क्रैप की वैल्यू को समझें, फिर मार्केट में बेचें। कई लोग के दिमाग में होगा कि इसमें मार्जिन कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, ये हर कोई जानना चाहता है कि इसमें मार्जिन कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, हर मेटल्स का अपना खुद का एक मार्जिन होता है, और ये डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हैं और कितने मीटर हैं बीच में, जितने मीटर होंगे उतना मार्जिन कम होगा। तो कोशिश करें हमेशा डायरेक्ट माल खरीदने की। और दोस्तों, स्क्रैप का बिजनेस में मार्जिन का कोई इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है, ये मार्केट के अकॉर्डिंग मार्जिन निकाला जाता है। आयरन स्क्रैप में आप मान के चलिए कि अगर 2 रुपए से लेके 25 पैसे तक का मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा का मार्जिन कभी नहीं निकलेगा। हाँ, अगर चोरी का आ रहा तो वो अलग बात है, जबकि मैं रिकमेंड करता हूँ कभी चोरी का माल ना खरीदो, फंस जाओगे तो लंबे चले जाओगे। और स्क्रैप में कॉपर स्क्रैप है, 4 से 10 रुपए आराम से मार्जिन निकलता है, होलसेल रेट में भी। अगर रिटेल को बेच रहे हो तो 6-7 रुपए कमा लिए, बहुत बड़ी बात है। अब एल्युमिनियम में 2 से 5 रुपए का मार्जिन रहता है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, कॉपर में भी काफ़ी ग्रेड्स होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना कि जब आप बेचने जा रहे हो तो किस ग्रेड का माल लेके जा रहे हो। अब आपको पता है 650 रुपए चल रहा है, लेकिन वो किस ग्रेड का, कितनी पेउटी का है। रिटेल में इसको इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जब आप होलसेल में काम करते हो ना तो उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि इसका लैब रिपोर्ट निकाला जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, एलिमेंट रिपोर्ट देखा जाता है। ऐसे एल्युमिनियम के बिजनेस में भी है। तो मैंने ये जो आपको तरीके बताए हैं, ये कम इन्वेस्टमेंट का बताया। अगर ये होलसेल में जाके करते हो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ में, तो उसका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका काम करना बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जबकि शॉर्टिंग वॉटिंग सब ऐसी ही होती है, जो चीज़ मैंने आगे बताई है आपको, खरीदना बेचना उसमें ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें जो उसका मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। उसको मार्जिन को कैसे निकालना वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बताने में। और दोस्तों, मार्जिन का एक चीज़ और होता है, मार्जिन उसी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों के हिसाब से निकलती है मार्जिन। इसमें मार्जिन को निकालने से पहले लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, ये सब भी कैलकुलेट किया जाता है। उसको कैलकुलेट करने के बाद जो खर्चे हुए हैं और जो खरीद है उसको बेच के जो बीज का निकलता है वो मार्जिन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, अब कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ जो आपके बहुत काम का है, ठीक है। अगर आपको समझ, अगर देखिए मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। दोस्तों, बिजनेस क्रैप देखने में इजी बहुत लगता है, बट करने में बहुत हार्ड है, ये चीज़ आप मान के चलिए। क्योंकि अगर आप ये समझ के आए हैं कि मैं, अगर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते तो इस बिजनेस में बिल्कुल मत आइए। जो छुई मुई टाइप होते हैं ना, जिनको अपने हाथ गंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत घूमना पड़ता है, घूम घूम के काम होता है इसमें, घूम के आपको जंगल में भी जाना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक उठाने कभी कहीं जाना पड़ेगा, गंदे हाथ करने पड़ेंगे। और अगर आप राजा बाबू हैं तो इस बिजनेस में बिल्कुल ना आए। और कम से कम मान के चले जब भी बिजनेस स्टार्ट करें 2 से 3 साल लगता है इस बिजनेस को पूरा रनिंग में लाने के लिए, इतना आसान नहीं है। अगर आपको पेशेंस है तो इस बिजनेस में मोस्ट वेलकम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दी करोड़पति बनना है, तो ये बिजनेस को मत कीजिए, पैसा डूबेगा आपका जितना भी लगाओगे। और दोस्तों, लास्ट में एक चीज और है, हमेशा मार्केट रेट से अपडेट रहें, रेगुलर मार्केट रेट पर ध्यान रखें और अपडेट रहें। और लोग ये भी पूछते हैं कि हम मार्केट रेट कहाँ से पता करें, तो दोस्तों जहाँ पे भी आपको माल बेचना है, रिटेल में कर रहे हो तो आप लोकल कबाड़ियों के पास जा सकते हो, होलसेल का काम कर रहे हो तो डायरेक्ट फर्निस वाले के पास जा सकते हो। ये ऑनलाइन जितना भी रेटिंग निकलता है सब एक सट्टा बजा रही है, इसके रेट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ओपन मार्केट रेट उनके लिए होता है जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं होलसेल में, ठीक है। जैसे यूपी वाला जाता है महाराष्ट्र बेचने, महाराष्ट्र वाला यूपी आता है, दिल्ली बेचता है, वहाँ पे ओपन मार्केट का काम चलता है। अब लोकल में आप होलसेल रेट के लेके फायदा क्या है, आपको कम क्वांटिटी में काम करना तो लोकल डीलर के पास जाइए, वो उस हिसाब से 10-15 रुपए मार्केट रेट से कम में खरीदेगा आपका। और दोस्तों, लास्ट में एक फाइनल और मैं चीज बोल देता हूँ कि स्क्रैप के बिजनेस में बहुत चोरी का माल आता है, तो चोरी का माल आपको कभी नहीं खरीदना है। एक बार अगर पकड़े गए तो उस एरिया में जब भी चोरी होगी आपके इलाके में, और आपका नाम एक बार चल गया पता पुलिस वालों की कि आप चोरी का माल खरीदते हो बेचते हो, तो हमेशा जब भी चोरी होगी तो आप ही को उठाया जाएगा। इसलिए कभी भी चोरी काम में ना पड़े, हमेशा एक नंबर में काम करें। ये मेरी आपके लिए टिप्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, डिटेल पूरी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप कम इन्वेस्टमेंट में मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मार्केट पर रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके ही बिजनेस स्टार्ट कीजिए या किसी से जानकारी ले लीजिए।
अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, और एक मेरी जो फीस होती है मैं साल भर की फीस लेता हूँ, क्योंकि एक दिन में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं साल भर आपकी पूरी मदद करता हूँ, सेल परचेज से लेके आपको रिक्वायरमेंट हर चीज़ पे। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी फ्यूचर में। अगर आप कोई इंक्वायरी हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वेबसाइट पे जाके ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मेरी पूरी कंप्लीट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और मेरा एड्रेस पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल पूरी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, मेरा GST नंबर तक वहाँ पर डला हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद नहीं आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए आपकी इंक्वायरी हो या कोई सवाल हो, तो मैं अगला वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। ये वाला क्वेश्चन, ये जो मेरे पास वीडियो काफ़ी टाइम से मेरे पास ये आ रहा था कि लो इन्वेस्टमेंट का बताइए, आप लो इन्वेस्टमेंट का बताइए, तब मैंने वीडियो बना के डाला है। तो धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए, नमस्कार।